आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। और इसके दो वीडियो हमने पहले बना लिए हैं और आपने, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे और उनको अपने नोट्स की कॉपी में उतार भी लिया होगा। आज हम तीसरे वीडियो में बढ़ रहे हैं आगे की ओर और इसका जो टॉपिक है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। और ऐसा ही टॉपिक आपने ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण नाम से 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ फिर रिपीट हो रहा है, पर वहाँ ध्वनि तरंगों का था लेकिन यहाँ पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण है। दोनों में काफ़ी समानता भी है, इसलिए अगर आपने वहाँ इसको ध्यान से पढ़ा था तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वहाँ भी इसको ध्यान से नहीं पढ़ा और आप डायरेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो प्रकाश के व्यतिकरण को समझने से पहले आपको एक चित्र समझना होगा। और चित्र देखो आप, जैसे मान लीजिएगा कि कोई प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण है जो इस प्रकार से जा रही है आगे की ओर, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है। अब दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इसका आयाम तो कम है और इसका आयाम अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तो ये दोनों तरंगे एक दूसरे में मिल जाती हैं और मिल जाने पर एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसका आयाम इन दोनों तरंगों के बीच में होता है, ऐसे। तो इन दोनों के मिलने से एक नवीन तरंग का निर्माण होता है और उस नवीन तरंग का जो आयाम है वो इन दोनों तरंगों के आयामों के बीच में होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी बात, इसमें देखो दोनों प्रकाश किरणें एक साथ यहाँ पर पहुँच रही हैं। देखो ये वाली भी यहीं एक साथ पहुँच रही है, एक ही समय पर दोनों प्रकाश किरणों एक साथ यहाँ मूल बिंदु पर पहुँच रही है और अगले फिर यहाँ पर भी एक साथ पहुँच रही है। इसका मतलब दोनों प्रकाश किरणों की कला क्या है, कला है इसकी नियत। कला क्या है, नियत। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों प्रकाश तरंगों की कला समान होनी चाहिए और जब कला समान है साथ में इसका जो आयाम है वो भी लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर। अगर दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर है तो ही व्यतिकरण की घटना होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आयाम इसका तो बहुत कम है और इसका बहुत ज़्यादा है तो फिर व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। क्लियर? तो ये इसकी शर्तें हैं, किसकी, व्यतिकरण की। समझो इसको कि जब किसी माध्यम अथवा निर्वात में दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक साथ संचरित होती हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि किसी माध्यम या निर्वात में दो प्रकाश तरंगें एक साथ संचरित होती हो रही थी, तो अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग की तीव्रता कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? तो जब दो तरंगें किसी माध्यम में अथवा निर्वात में एक साथ संचरित होती हैं तो अध्यारोपण की घटना होती है। अध्यारोपण की घटना से उस परिणामी तरंग की तीव्रता कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार ये सवाल जो है एक नंबर में भी पूछा हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा लिखिए, तो उसमें सिर्फ आपको ये चार लाइनें ही लिखनी होंगी। अगला टॉपिक है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, कि जो व्यतिकरण हो रहा था इसकी शर्तें क्या क्या हैं, ये किन किन शर्तों के लिए लागू होता है। देखो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिन दो प्रकाश स्रोतों से ये दो तरंगें निकल रही थी
ये दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने का मतलब है कि उन दोनों स्रोतों से जो प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, उनके मध्य कलांतर का मान या तो शून्य हो या कोई फिक्स हो या नियत हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए आप, जैसे ये यहाँ पर कोई प्रकाश की तरंग ऐसे जा रही है, क्लियर, और दूसरी प्रकाश की तरंग ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच कलांतर क्या है, यहाँ पर जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रकाश की तरंग यूं जा रही है और दूसरी प्रकाश की तरंग यूं जा रही है, क्लियर। तो यहाँ कलांतर क्या हो गया, पाई ए, और पाई ए कितना हो गया, 2 पाई कलांतर है। तो यहाँ पर भी व्यतिकरण की घटना हो सकती है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो आप, ए ये कोई प्रकाश की तरंग जा रही है, दूसरी प्रकाश की तरंग यहाँ से चल रही है ऐसे, तो यहाँ कलांतर कितना है बोलो, पाई कलांतर है। तो ये भी व्यतिकरण की घटना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रकाश की तरंग तो यूं जा रही है और दूसरी वाली जैसे जैसे जा रही है ऐसे काटती पीटती इसको। तो यहाँ ऐसा संभव नहीं, मतलब या तो कलांतर का मान जीरो हो, जीरो कब होगा, जब ऐसी पोजिशन हो, या नियत हो, नियत यहाँ भी नियत है और यहाँ भी, या ऐसा हो। लेकिन अगर कलांतर का मान फिक्स नहीं है तो फिर इस टाइप से अगर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो व्यतिकरण नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ कही हमने कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात उनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर का मान शून्य हो या फिर नियत हो। आगे चलते हैं। दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। एक वर्णी का मतलब क्या होता है, एक वर्णी का मतलब होता है कि दोनों प्रकाश स्रोतों का कलर एक जैसा होना। अगर मान लो दोनों स्रोत लाल प्रकाश के हैं तो लाल प्रकाश होना चाहिए, अगर दोनों स्रोत व्हाइट लाइट उत्सर्जित करते दोनों व्हाइट लाइट होनी चाहिए, मतलब दोनों का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। अर्थात इनसे प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अलग अलग कलर के होंगे तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग ही रहेगी, ठीक है। इस वजह से ये कहा गया है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने, और जब इनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाएंगी तो फिर ये मिसमैच हो जाएंगे। तीसरा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि अगर दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों या फिर लगभग बराबर हों तो व्यतिकरण की घटना हो सकती है। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, ये तो नेसेसरी बात है ही। अगर मान लो दोनों तरंगें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो उनका कभी मैचिंग होगा ही नहीं और व्यतिकरण की घटना भी नहीं हो सकती। दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए, मतलब कि जिन स्रोतों से प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं वो पास पास होने चाहिए। पास पास होंगे तब भी तो उनकी तरंगे आपस में मैच होंगी, एक साथ अध्यारोपित होंगी और व्यतिकरण की घटना। अगर दोनों प्रकाश स्रोत दूर दूर है तो फिर उनकी तरंगों के बीच मैचिंग नहीं हो सकती। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब कि जो स्रोत हैं उनका जिस जगह से तरंगे बाहर निकल रही हैं वो जगह बहुत संकीर्ण होनी चाहिए ताकि दोनों के तरंग आपस में एक दूसरे से मैच हो सके। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पथांतर का मतलब होता है बेटा पथों में अंतर। इसका मतलब ये है कि जो दो तरंगे हैं उनके बीच पथांतर का मान शून्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पथांतर कितना है, दोनों एक साथ आ रही है तो पथांतर जीरो था। यहाँ यहाँ से यहाँ तक ये पथांतर है, फिर यहाँ से दोनों चल रही हैं तो ये पथांतर है, तो ये दूरी कितनी होती है आप जानते होंगे, लैम्डा होती है, क्लियर। तो लैम्डा इसका पथांतर है। इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही है, तो ये क्या है, लैम्डा बटा दो पथांतर है। तो ये इनके बीच पथांतर है, मतलब दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर है उसका मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 7 शर्तें हैं व्यतिकरण की, कि ये 7 शर्तें अगर लागू होती हैं तो व्यतिकरण की घटना हो सकती है। नोट नंबर ए, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, पहला समपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। अब इस समपोषी व्यतिकरण का मतलब भी समझ लो आप। देखो इधर, अगर मान लीजिए ये प्रकाश तरंगे यहाँ एक साथ जा रही हैं, एक ही जगह से निकल रही हैं, तो ये समपोषी व्यतिकरण है, क्योंकि इस स्थिति में पथांतर का मान कितना है बोलो, जीरो है, एक साथ है, और कलांतर का मान भी कितना है,
जीरो है, क्लियर। ठीक इसी प्रकार यहां इसमें यहां से चल रही दोनों एक साथ, तो यहां पथांतर कितना है, पथांतर है बेटा लैम्डा, और कलांतर कितना है, और कलांतर है 2 पाई, क्लियर। और तीसरा क्या है, ये पोजीशन, इसमें देखो प्रकाश तरंग एक तो यूं जा रही थी ना शुरुआत, और दूसरी यहां से शुरू हो गई, तो यहां पथांतर कितना है, लैम्डा बटे 2, और कलांतर कितना है पाई, कलांतर कितना है पाई। अब और देखिए अगर हम, तो ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि कोई प्रकाश की तरंग इस प्रकार से जा रही हो, है ना, तो यहां तक लैम्डा, यहां तक 2 लैम्डा, और दूसरी प्रकाश की जो तरंग है वो यहां से शुरू हो रही है, तो कितना पथांतर हो गया, लैम्डा तो ये, और लैम्डा ही कितना बन गया बेटा 2 लैम्डा, तो यहां पथांतर हो गया 2 लैम्डा, और कलांतर क्या हो जाएगा पाई, तो ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। तो कुल मिला के बात ये है कि समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे एक दूसरे की दिशा में जाती है, जैसे ये ऐसे जा रही है, दूसरी तरंग भी ऐसे जा रही है, ऐसा ही होता है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में आप देखो ना, तो पथांतर 0 भी है, लैम्डा भी है, यहाँ 2 लैम्डा भी। तो कुल मिला के बात यह है कि समपोषी व्यतिकरण में पथांतर जो है वो या तो 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, डॉट 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 हो सकता है, जिसको मैं एन लैम्डा कह सकता हूँ। क्या है ये, पथांतर है, क्या है पथांतर। ऐसे कलांतर क्या होगा, कलांतर, कलांतर को समझो, देखो यहाँ कलांतर 0 है, फिर 2 पाई है ना, और यहाँ कितना है 4 पाई, तो देखो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, फिर आगे 6 पाई आएगा, फिर 8 पाई आएगा, जिसको मैं एक साथ लिखूँ तो 2n पाई आएगा, क्या होगा 2n पाई। तो समपोषी व्यतिकरण में पथांतर तो होता है एन लैम्डा, और कलांतर होता है 2n पाई, ये बात यहाँ लिख रखी है। देखो समपोषी व्यतिकरण में कलांतर तो है 2n पाई, और पथांतर है एन लैम्डा, यहाँ एन का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 0 रखेंगे ना तो कलांतर 0 हो गया और पथांतर भी 0 हो गया, और 0 0 की पोजीशन आपको दिखाई थी मैंने, जैसे देखो ये वाली पोजीशन क्या थी, कलांतर भी 0 था और पथांतर भी 0 है इस वाली पोजीशन में। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर 2n पाई और पथांतर एन लैम्डा होता है। ठीक इसी प्रकार अब विनाशी व्यतिकरण की बात कर ले हम, देखो इधर विनाशी व्यतिकरण, चलो यहां मैं दोबारा चित्र बना लेता हूं, विनाशी व्यतिकरण की क्या सिस्टम रहेगा वो देखो आप, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण का क्या सिस्टम रहेगा उसको समझो पहले, ये सिस्टम रहेगा ध्यान से समझो आप, ये थोड़ा देखो यहाँ आ जाते ही डार्क हो जाता है, जैसे देखिएगा ये कोई प्रकाश की किरण यूँ जा रही है, ठीक है जा रही, इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही, तो ये तो इसकी फर्स्ट स्टेज होगी, यहाँ कलांतर कितना है, कलांतर है ये वाला जो किसके बराबर है पाई के, और पथांतर है इस दूरी के जो वास्तव में लैम्डा बटा 2 होगा। अगली पोजीशन ऐसा हो सकती है, ये को तरंग जा रही है और ये यहाँ से चले, कहाँ से चले, यहाँ से चले, ठीक है। तो इस स्थिति में देखो पथांतर तो क्या, कलांतर तो क्या हो गया, कलांतर तो हो गया बेटा कितना पाई पाई और पाई 3 पाई, और पथांतर क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक तो लैम्डा, फिर ये लैम्डा बटे 2, तो ये हो गया 3/2 लैम्डा। चलो ऐसे एक साथ लिखे ना, तो ये पाई फिर 3 पाई फिर 5 पाई फिर 7 पाई ऐसे आएगा, जिसको मैं लिख दूँ 2n+1 पाई, जहाँ n का मान है आपका 0 1 2 2 2, 0 रखोगे आप यहाँ पर n का मान तो पाई बन जाएगा, 1 रखोगे तो 3 पाई बन जाएगा, 2 रखोगे तो 5 पाई बन जाएगा। इसी प्रकार पथांतर जो है उसको भी देखो आप,
पथांतर की बात कर लें अगर हम, तो पथांतर लैम्डा बटे दो है, फिर 3 लैम्डा बटे दो है, फिर 5 लैम्डा बटे दो है, ऐसे आएगा, या 2n प्लस 1 लैम्डा बटे दो, 2n प्लस 1 लैम्डा बटे दो। ये तो बातें यहाँ पर आती हैं। तो देखो विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर तो होता है 2n प्लस 1 पाई और पथांतर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बटे दो। यहाँ n का मान हुई 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये बातें आपको याद होनी चाहिए और ये आई कहाँ से मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसके आगे की बात हम करते हैं, वो है कलांतर तथा पथांतर में संबंध, ये भी समझ लो आप। देखो इधर पहले मैं चित्र से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा कोई प्रकाश की तरंग ऐसे जा रही है ना, और दूसरी प्रकाश की तरंग यहाँ से चल रही है, क्लियर, ऐसे चल रही है आगे, तो यहाँ कलांतर कितना है बोलो? कलांतर यहाँ पर है पाई पाई टू पाई, कितना है? टू पाई। और पथांतर कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? लैम्डा। कलांतर को अगर मैं डेल्टा फाई लिखूँ और पथांतर को अगर मैं डेल्टा लैम्डा लिखूँ तो क्या हो जाएगा? पथांतर बटा कलांतर इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा फाई, या फिर लैम्डा अपॉन टू पाई, या फिर इसके बाद हम बात करें डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई गुना डेल्टा फाई, क्लियर। ये यहाँ पर स्पष्ट होती है और ये यहाँ लिख भी रखा है। देखो पथांतर बटे कलांतर बराबर डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा फाई बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई, या फिर पथांतर बराबर हो गया लैम्डा अपॉन टू पाई गुणा कलांतर। तो इस प्रकार से हमने पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू कलांतर एक नया फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने व्यतिकरण पढ़ा और व्यतिकरण के बाद व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ी, और दोनों ही टॉपिक एग्जाम में पूछे हुए और बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आप इसे उतारें, समझें, 2-3 बार वीडियो देखकर इसको अच्छे से समझें, और उसके बाद PDF डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से इसका PDF डाउनलोड करें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें, यही फिजिक्स का मूल मंत्र है। जितनी बार आप रिविज़न करोगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही आपको वो अच्छे से याद होगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।